हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमा वलेराय और मैं न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइज़र हूँ। मैं आज आपको एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। आपने कितनी बार मेरे मुंह से सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट, ये फ्रूट्स में ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपको लगेगा ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है और फ्री रेडिकल्स क्या है। चलो देखते हैं। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल एटम्स टू बिकम मोर स्टेबल। दे टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स। जब भी कोई भी एटम्स की बाहरी कक्ष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से परमाणु खींचने की कोशिश करते हैं, उसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू सिंगल एटम और वो दूसरे एटम से मॉलिक्यूल खींचने की कोशिश करते हैं, तभी वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो ही हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं और उसको ही हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारे बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। फ्री रेडिकल्स जब भी हमारे शरीर में कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो वो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ही हमारे बॉडी में सेल्स और डीएनए डैमेज हो जाता है और वो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिसीज प्रोड्यूस करता है। फ्री रेडिकल्स की प्रक्रिया हमारे बॉडी में सामान्यतः होती ही रहती है। फ्री रेडिकल्स मुख्यत्वे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनने के दौरान ऑक्सीजन से बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कम मात्रा में होते तो ये जीवाणु विषाणु आदि को नष्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन जब ये बहुत सारी मात्रा में बढ़ जाता है तो ये हमारे सेल्स को, सेल मेम्ब्रेन को और इवन डीएनए को भी डैमेज करता है। फ्री रेडिकल्स ज़्यादा केमिकल के संपर्क में आने से, पॉल्यूशन से, केमिकल से, मेडिकेशन से और ज़्यादा अल्कोहल पीने से और फिर धूम्रपान करने से और ज़्यादा तला हुआ चीज़ खाने की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीसेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, आँखों में मोतियाबिंद आना, नज़र कमज़ोर हो जाना, अल्जाइमर्स, चेहरे पर झुर्रियाँ आना, बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, डायबिटीज और पार्किंसन जैसे डिसीज होते हैं। हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हमारे बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं तो वो एजिंग प्रोसेस को फास्ट करता है और सेल को डैमेज करता है। रेडिकल्स को नियंत्रित करने के लिए हमारा शरीर ही कुछ प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम्स बनाता है जो हमको फ्री रेडिकल से बचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट ये अणु और मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो फ्री रेडिकल्स को दे देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान होने से बच जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम खाने में भोजन के द्वारा ले सकते हैं। फल और सब्जियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ए, ई और सी तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट है। रस्टिंग यानी के काट लगना एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप एक एप्पल को काट के खुला छोड़ देते हो तो वो काला पड़ जाता है, उसका रीज़न फ्री रेडिकल्स है। लेकिन जब आप उसके ऊपर नींबू का रस डालते हो तो वो वापस सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी रहता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी ऑक्सीडेशन कम करने का काम करता है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और हमारे शरीर को अंदर से अच्छा बनाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।